राधे राधे दोस्तों, आज मैं बताऊंगी पितृपक्ष में जन्मे बच्चे कैसे होते हैं। बहुत लोगों की मान्यता है कि पितृपक्ष में जन्मे पुत्र या पुत्री अशुभ होते हैं घर वालों के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले पितृपक्ष में जो भी पुत्र या पुत्री जन्म लेते हैं वो अपने ही कुल के होते हैं। जैसे अपने घर के ही कोई भी पूर्वज जिनका पहले स्वर्गवास हो गया हो वो पुनः ही अपने ही कुल में जन्म लेते हैं। अगर पितृपक्ष में जन्म लिया हो तो उनको जो घर परिवार वाले हैं उनसे काफ़ी लगाव होता है, उस भूमि से, उस घर से, उस वातावरण से, उस माहौल से इतना लगाव होता है कि वह अच्छे कर्मों से देव के पास जाते हैं तो उनको पूछा जाता है कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो वो बताते हैं कि उनको पुनः अपने ही घर में जन्म लेना है, तो उनको यहाँ भेज दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि किसी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए, जैसे कि कम उम्र में किसी की मृत्यु हो जाती है और उसके मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं कुछ करने की, जैसे मैं ये करता वो करता ये करूँगा, पर उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और वो नहीं कर पाते तो उनकी इच्छा बाकी रह जाती है, तो वो भी पुनः पुनः जन्म लेने के लिए अपने ही कुल परिवार में इच्छा बनी रहती है। वो समय जो पितृपक्ष होता है यही समय निर्धारित किया गया है कि पुनः पितृ फिर से आकर जन्म लेते हैं। पितृपक्ष में जन्म लेने वाले पुत्र या पुत्री होते हैं वो सामान्य जो बच्चे होते हैं ना उनसे अलग होते हैं, उनसे अलग उनका दिमाग होता है, अलग यानी अलग सोचने वाला दिमाग। जैसे कि सारे लोगों के साथ तो वो बैठे रहते हैं पर उनका मन कहीं और विचरता रहता है, किसी और दुनिया में विचरता रहता है। सामान्य लोगों को देखोगे तो वह जिस दुनिया में रहते हैं जो वो देखते हैं वो उसी को मानते हैं, वो अपनी उम्र से जल्दी सारी चीज़ें जानना चाहते हैं जो पितृपक्ष में पैदा हुए बच्चे होते हैं और जानते भी हैं। उनका अनुभव ऐसा रहेगा जैसे मान लो 10 साल का बच्चा है पर वह 50 साल का हो। तो दोस्तों, पितृपक्ष में जो बच्चे जन्मे जाते हैं वो सामान्य बच्चों से अलग होते हैं। बच्चा बच्चा होता है, भगवान जब जन्म देता है तभी ज़मीन पर आते हैं, तो शुभ या अशुभ नहीं माना जाता, बच्चा है, भगवान का रूप है, सब शुभ होता है। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारी के साथ बने रहिए हमारे साथ राधे राधे पर। राधे राधे।